अविनाश, तो देखिए सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 दिन के ईडी रिमांड पर है अभी फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस खबर पर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अविनाश, देखिए चुनावी माहौल और इसी बीच मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ भी की जा रही है, कई सारे आरोप भी लग रहे हैं और ऐसे में आपने बताया भी कि वो शायद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या इससे कहा यह जा सकता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए पार्टी को नुकसान हो रहा था इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया, हम इस एंगल से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस चुनावी पूरे माहौल में अगर आप धीरज साहू से लेकर आलमगीर आलम तक की बात कर लें, उस बीच में जो बड़का गांव से विधायक हैं अंबा प्रसाद से जो ईडी की पूछताछ हुई, ईडी के उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, तो इन सारी चीज़ों से एक तो ज़रूर है कि जो परसेप्शन बन रहा है या कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इससे कांग्रेस को ज़रूर कहा जा रहा है कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को उठा रही है और लगातार उनके नेता इस मुद्दे पर हमलावर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेताओं की बात कर लें या फिर यहाँ जो प्रदेश के नेता हैं उनकी बात कर लें, हर